हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज़, दैट इज़ ईवीएस। ईवीएस के हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, और वो भी क्लास 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी आती है सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो ईवीएस के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रॉप्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सा होता है, दैट इज़ इसको हम और क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप्स, जो मॉनसून में प्लांट किए जाते हैं। तो इसका खरीफ का सेकंड नेम है मॉनसून क्रॉप्स, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको प्लांट हम कब करते हैं, इन क्रॉप्स को जून के अंदर, जो जून के महीने में जो हम क्रॉप्स को प्लांट करते हैं या फिर हम बोते हैं या ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। एंड इसको हार्वेस्ट, मतलब उनकी सिंचाई कब करते हैं, उनको हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर के महीने में। तो इसके हमारे कुछ एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स के, दैट इज़ राइस, कॉटन, मेज और ग्राउंडनट। जैसे कि जो चावल होते हैं, कॉटन रुई हो गई, मेज़ हो गया आपका बाजरा, और जो ग्राउंडनट्स होते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, सारे खरीफ क्रॉप्स के। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा खरीफ क्रॉप्स का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ैद क्रॉप की। ज़ैद क्रॉप कौन से होते हैं हमारे, इनको बोला जाता है समर क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप को और क्या बोला जाता है, समर क्रॉप्स। अब समर क्रॉप्स को मतलब कि हो गया कि ये जो गर्मी का महीना होता है उसके अंदर ये प्लांट किए जाते हैं। तो ज़ैद क्रॉप्स को हम कब प्लांट करते हैं, मार्च के अंदर। कब प्लांट करते हैं हम, मार्च में। और हार्वेस्ट कब करते हैं, जून के महीने में। तो मतलब उनकी सिंचाई कब होती है, जून के महीने में। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। तो हम वाटरमेलन हो गया आपका तरबूज, और कुकुम्बर हो गया हमारा खीरा। तो ये जो क्रॉप्स हैं इनके जो सीड्स होते हैं ये कब प्लांट किए जाते हैं, मार्च में, और हार्वेस्ट कब होते हैं, जून में। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ज़ैद क्रॉप्स के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स की। तो इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि रबी क्रॉप्स कब प्लांट होते हैं और कब हार्वेस्ट होते हैं, उसमें से कोई आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इसके एग्जांपल क्या हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है बस मैं वही बताऊंगी। तो रबी क्रॉप्स जो हैं वो, उनको सेकंड नेम क्या है, विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स मतलब हो गया कि इनके जो क्रॉप्स हैं कब सोन किए जाते हैं, बोए जाते हैं, ठंड के महीने में, जो सर्दी का महीना होता है इनको तब बोए जाते हैं। तो ये कब प्लांट होते हैं, नवंबर में, और हार्वेस्ट कब होते हैं, ये अप्रैल में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम बात करेंगे कौन कौन से रबी क्रॉप्स होते हैं। वीट, तो ये कब सोन होंगे, ये होगा नवंबर में, और इनको और क्या बोला जाता है, विंटर क्रॉप्स। और क्या एग्जांपल हैं इसके, पी, मटर हो गई, बारले एंड ग्राम, जो चना होता है उसको बोलते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए रबी क्रॉप्स के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कुछ कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज में से निकाले हैं। तो हम बात करते हैं जो ग्रीन चिलीज़ हैं, टोमेटो हैं, पोटैटो हैं, इट मींस जो हरी मिर्च होती हैं ग्रीन चिली, और जो टोमेटो हो गया, पोटैटो, आलू और टमाटर। तो ये जो इंडिया में आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं साउथ अमेरिका से। कहाँ से आते हैं, साउथ अमेरिका से। जो ट्रेडर्स होते हैं वो लेकर आते हैं साउथ अमेरिका में, तो इनकी वहाँ पे बल्क प्रोडक्शन होती है। तो इंडिया में ये आते हैं साउथ अमेरिका से, ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। तो आप इसको ध्यान से, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैबेज। अब कैबेज क्या होती है हमारी, पत्ता गोभी और पी, मटर, वर ब्रॉट फ्रॉम, कहाँ से आ जाते हैं, यूरोप। कहाँ से आते हैं ये, यूरोप से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉफ़ी बीन्स, जो कॉफ़ी होते हैं हमारी वो, और ग्रीन भिंडी मीन्स लेडी फिंगर, आपकी कहाँ से आती है ये इंडिया में, अफ्रीका से। कहाँ से आती है, अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेड चिली। रेड चिली हो गई हमारी लाल मिर्च, ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स,
जो हम भुट्टे के दाने खाते हैं, कॉर्न्स हो गया, वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? लद्दाख में। कहाँ पर मिलते हैं? लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, द लैंड ऑन विच वी ग्रोन वन टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड, जिस लैंड पे हम वन टिन ऑफ सीड्स ग्रो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? वन टिन ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं हम उसको? वन टिन ऑफ लैंड। अब हम बात करेंगे फूड आइटम्स की और उनके मेथड्स क्या हैं कि हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट इज़ मिल्क। अब जो दूध होता है उसका मेथड क्या है? अब वो या तो बनता भी कैसे है और हम उसको करते कैसे हैं? तो मिल्क है, हम उसको क्या करते हैं? उबालते हैं, बॉयल करते हैं। हम रॉ नहीं पीते, हम उसको पहले उबालते हैं, देन बॉयल करने के बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इज़ कुक्ड राइस। हम राइस को कैसे पकाते हैं? तो इसका कुछ मेथड है, मेथड्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मेथड है, पहले हम बॉल के अंदर, एक कटोरे के अंदर उसको डालते हैं, राइस को जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए। देन हम उस बॉल के अंदर क्या करते हैं, कुछ पानी डालते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जिससे कि वो गीला हो जाए। और फिर गीला होने के बाद फिर उसको हम या तो कढ़ाई में या फिर हम कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर उसको करते हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्रीन कोरिएंडर। ग्रीन कोरिएंडर आपको हो गया धनिया। धनिया क्या होता है? धनिया का मेथड क्या होता है? उसको हम जो गीला कपड़ा होता है या डैम्प क्लोथ होता है उसके अंदर हम रैप करके रख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनियन एंड गार्लिक। अनियन क्या होता है? हमारा प्याज, और गार्लिक हो गया हमारा लहसुन। तो हम इसको क्या करते हैं, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। हम उसको एक खुले प्लेस में रख देते हैं जहाँ पर सूखा हो, गीला ना हो, तो हम इसको एक ओपन प्लेस के अंदर रख देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा स्टेट्स एंड लिस्ट ऑफ फूड्स, कि अब कुछ कुछ स्टेट्स की अपनी उनकी खासियत है कि वो किस स्टेट में कौन सा फूड होता है या कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। तो पहली स्टेट है हमारी पंजाब। पंजाब कहाँ पे है? हमारी नॉर्थ में है। तो हमारी चार डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इसके अंदर, पंजाब के अंदर कि क्या खाया जाता है? मक्के की रोटी और सरसों का साग, राजमा चावल एंड दाल चपाती। तो इसका मेजर पॉइंट कौन से हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल एंड दाल चपाती। तो ये कहाँ पे खाई जाती हैं? पंजाब के अंदर। नेक्स्ट इज़ राजस्थान। राजस्थान कहाँ पर है हमारा? वेस्ट के अंदर आता है। राजस्थान में क्या फेमस है? दलिया, दाल एंड चूरमा। तो ये वहाँ की स्पेशल डिशेज़ हैं जो कि बहुत मानी जाती हैं। केरला, केरला में कौन सी होती हैं? साउथ में आता है ये केरला हमारा, बिल्कुल नीचे साउथ पार्ट में। तो इसके कौन सी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिशेज हैं? राइस, फिश, इडली सांभर, डोसा, ढोकला। तो ये जो हैं, ये सारे डिशेज़ कहाँ पे खाई जाती हैं और कहाँ की फेमस हैं? केरला की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर आता है हमारा? ये ईस्ट के अंदर आता है। और यहाँ पर मेजर फूड आइटम कौन सी है? राइस एंड फिश। तो यहाँ पे कौन सी है, क्या ज़्यादा खाते हैं? चावल और मछली। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या फेमस है? ये आता है सेंट्रल में, मिड में आता है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या ज़्यादा फेमस है? दाल चपातीस एंड चावल दाल। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या खाते हैं लोग? चपाती और दाल और चावल। तो चावल और दाल के साथ खाते हैं। तो ये था हमारे कुछ पॉइंट्स फूड और वॉन्डरिंग सीट से, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं एनसीईआरटीज में से फूड से रिलेटेड। तो ऐसे ही आपके सेशंस आते रहेंगे। अगर आपको सेशन क्लियर हुआ है, ये समझ में आए हैं पॉइंट्स की, क्योंकि ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोबारा से आप चैनल का नेम देख लीजिए, दैट इज़ एस्पायरिंग टीचर्स, जो कि आपको राह दिखाता है। ये चैनल सिर्फ सीटेट के लिए बनाया गया है, सीटेट और बीएड जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। आई होप आपको ये टॉपिक ईवीएस का क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और पहली बात कि आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। थैंक यू।